जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका दोस्तों जियो फिनिक्स में। तो दोस्तों आइए जानते हैं अगले 48 घंटों के दौरान मौसम के क्या मिजाज रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी भारत और बिहार में भारी मानसून बारिश के कारण बाढ़ का कहर लगातार जारी है। असम और बिहार में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 150 के आंकड़े से पार हो चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन असम के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात करें राज्य में अभी तक 1.51 लाख हेक्टेयर फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। राज्य में अभी तक 3024 गांव के लोगों का जनजीवन पूरी तरीके अस्त व्यस्त है। बात करें बिहार में तो बिहार में अभी तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बात करें बिहार में कुल अभी तक 12 राज्य बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है। इनमें अधिकतर बाढ़ के कारण पड़ोसी देश नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात करें केरल की तो केरल में चल रही भारी बारिश के कारण तमिलनाडु में अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 3 मछुआरे समेत 4 लोग लापता हो गए हैं। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के दौरान यहां भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात करें पंजाब और हरियाणा की तो अगले 48 घंटों के दौरान वहां भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। पंजाब की घंघर नदी में उफान के कारण 7 जिलों में बाढ़ के हालात पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हैं और कपास और धान की फसल के लिए खतरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 24 जुलाई में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो सूखा और जोर पकड़ लिया है। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या यहां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व गुजरात के अलग अलग स्थानों पर, विदर्भ तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बात करें दक्षिण जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वोत्तर राज्यों, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बाकी हिस्सों में भी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बाकी हिस्से जो हैं वहां पर, गुजरात, तेलंगाना और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले में हैं और आपके वहां पर मौसम की क्या जानकारी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।